हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मेरे चैनल टेक्निकल एस के जोशी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जियो का कोई सा भी फ़ोन हो हमारे पास, ये डेड फ़ोन कैसे रिपेयर करते हैं, किस तरीके से इसको सिंपल स्टेप में चालू करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं आईसी की प्रॉब्लम है, डेड है, तो वो आईसी की छेड़छाड़ कर देते हैं तो फ़ोन चालू नहीं हो पाता है। बट मेन प्रॉब्लम इसमें ये नहीं रहती है, कुछ दो तीन स्टेप है फ्रेंड जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उन स्टेप से आपका फ़ोन 101% चालू हो जाएगा। ये मैं अभी इसको बार बार चालू करके देख रहा हूँ फ्रेंड, ये मेरा फ़ोन जो है ये चालू नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए सिंपली हमको क्या करना है, पहले हम इसको खोल लेते हैं। इसके स्क्रू जो है, स्क्रू मैंने पहले ही खोल दिए थे फ्रेंड, और अब इसको हम फ़ोन को पूरा खोल लेते हैं। फ़ोन को पूरा खोलने के बाद बहुत सिंपल सी स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इस स्टेप से हमारा फ़ोन बहुत सिंपल तरीके से चालू हो जाएगा फ्रेंड। बहुत से लोग क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में बोलते हैं वीडियो फेक है, वीडियो फर्जी है। तो यार आप वीडियो को पूरा देखा करो ना यार, वीडियो को स्किप क्यों करते हो आप। वीडियो को स्किप करोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, फिर वो आपका काम प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। इस चक्कर में आप वीडियो को कभी भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड मैंने ये फ़ोन मेरा खोल लिया है, अब देख लेते हैं। मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। फ़ोन तो पहले भी ये रिपेयर करा हुआ लग रहा है मेरे को, ये देख सकते हैं आप। इसमें नेटवर्क में काम करा हुआ है, इसमें जम्पर लगा हुआ है फ्रेंड। ये मैंने वीडियो जूम कर दी है और आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर के पास से फ्रेंड इस आईसी पे एक जम्पर लगा हुआ है इसमें। और जहाँ तक मेरा ख्याल है फ्रेंड, ये जम्पर लगाने की वजह से ही डेड हुआ है ये फ़ोन, क्योंकि कहीं से वाटर डैमेज वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है मेरे को ये। तो देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेप फ्रेंड, हमको ये वाली जो इसकी आईसी है जहाँ पे ये जम्पर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, मेन आईसी पे फ्रेंड ये जम्पर लगा हुआ आता है एक डायोड से। उस आईसी पे जम्पर रहता है तो नेटवर्क रनिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है उसके लिए लगता है। बट ये जम्पर जिसने भी लगाया है ढंग से नहीं लगाया है। मैं इसको फिर से लगा देता हूँ रिसोल्ड करके, इससे चाहे तो हो जाए फ़ोन हमारा। क्योंकि कभी ये जम्पर अगर डायोड के दोनों तरफ सोल्ड हो जाता है या फॉल्ट हो जाता है तो ये चालू नहीं हो पाता है फ़ोन हमारा। तो मैं इसको व्यवस्थित तरीके से लगा देता हूँ फ्रेंड जम्पर को, उसके बाद हम देखते हैं फ़ोन चालू करके। ये मैंने जम्पर लगा दिया है और अब देख लेते हैं हम। ये वाला जो जम्पर है नेटवर्क वाला फ्रेंड, ये वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये देख सकते हैं आप डायोड जो दिख रहा है आपको वाइट वाला, बैटरी कनेक्टर जो आता है फ्रेंड हमारा, उसके जस्ट साइड में एक चार्जिंग का डायोड आता है ब्लैक कलर का, उसके साइड में वाइट कलर का आता है फ्रेंड। इसको दोनों तरफ से रिसोल्ड कर देना है क्योंकि कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसको तोड़ने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं लगती, हम इसको रिसोल्ड कर देंगे तो रिसोल्ड करने से प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि अभी तक मैंने जो कुछ भी किया है इसी से किया है, डायोड को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं लगी है जियो के इस वाले फ़ोन में। तो फ्रेंड चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ दो काम किए हैं इसमें, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड आप, अभी प्रॉब्लम आ रही है और फ़ोन हमारा चालू नहीं हो पा रहा है। एक स्टेप और है फ्रेंड, मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ वो किस तरह से होती है। हमारा फ्रेंड जम्पर जो लगा हुआ है वो तो हमने प्रॉपर तरीके से लगा ही दिया है, बट हमको करना क्या है, ये वाला जो फ्रेंड जम्पर है ये दिख रहा है आपको नेटवर्क वाला, ये वाला जो जम्पर है इसको भी हमको एक बार व्यवस्थित तरीके से लगा देना है, इसको साल्ड कर देना है ताकि इसमें भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इसको कर देता हूँ फ्रेंड साल्ड। हमारा ये वाला जम्पर है, इससे प्रॉब्लम आ जाती है वैसे, क्योंकि कभी कभी ये जम्पर लगाना कहाँ रहता है और कहाँ लग जाता है फ्रेंड, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जम्पर हमको प्रॉपर तरीके से लगा देना है या फिर निकाल देना है। मोबाइल तो डेड ही है ना आपका, तो जम्पर निकाल ही देना है आपको।
और बाद में फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम आए तो आप लगा सकते हैं, बट मैंने इसको डबल से रिसोल्ड कर दिया है। और हम एक काम और करते हैं फ्रेंड, इसमें बैटरी कनेक्टर जो है हमारा, इसके जो पॉइंट है फ्रेंड, बैटरी कनेक्टर के पॉइंट भी हम इसके रिसोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये अब भी हमारा फ़ोन चालू नहीं हो पा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये फ़ोन हमारा अब भी चालू नहीं हुआ है। और एक बार फिर से मैं इसकी बैटरी लगा के देख लेता हूँ। ये मैंने बैटरी लगा दी है, ये फ्रेंड देख सकते हैं हमारा फ़ोन एकदम प्रॉपर तरीके से चालू हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने पावर की दबाई है और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड, शायद पावर नहीं ले पा रहा है। फिर से मैं अच्छे से एक बार इसकी बैटरी लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड फाइनली हमारा फ़ोन ये चालू हो चुका है। और मैंने इसमें क्या करा और क्या नहीं करा है आपने पूरा लाइव वीडियो देखा है आपने फ्रेंड, फिर भी आप रिस्क ना लें। और ये जो जंपर है ये तो खैर ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, बट आपको बैटरी कनेक्टर पे यहाँ पे फ्रेंड, ये इसके साइड में ब्लैक है, ये वाइट, इस पे आपको रिसोल्ड कर देना है ताकि प्रॉब्लम ना आए। दूसरी चीज़ ये नेटवर्क का वायर है, हमने जो सॉल्व किया था इसको प्रॉपर तरीके से कर देना है फ्रेंड, तो आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ना आएगी। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।